ओके तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एंड अदर वीडियो। तो यार मुझे ना ऐसे काफ़ी देर से ऐसा लग रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाउ आई मेक एंड एडिट माय वीडियोस। तो यस, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैं अपनी वीडियो एडिट्स किस तरह करता हूँ, और एक और बात है कि मैं अपने फेस कैम को और अपनी गेम प्ले को दोनों को अलग अलग और एक ही टाइम पे मैं किस तरह करता हूँ। अभी आपको समझ नहीं आ रही तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ OBS। आई थिंक मैं आपको ज़रूर करूँगा सजेस्ट, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है ये। तो जब आप अपने OBS को ऑन करोगे तो इस किस्म का कुछ होगा पेज। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ जो मैंने चीज़ें खुद से लाया हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपका ऐसा या आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना फेस कैम लाना चाहते हो, अगर आपके पास कोई वेब कैम है और आप उसको वीडियो में लाना चाहते हो, तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे सोर्सेस में यहाँ पे प्लस है, इस प्लस को दबा के यहाँ पे ये वीडियो कैप्चर डिवाइस है, आपने इसको दबा देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ओके करके यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे डिवाइस डिफ़ॉल्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको करके कस्टम, और रेजोल्यूशन मेरी है 1920x1080p जो सबसे अच्छी है, और FPS मैं करता हूँ हाईएस्ट, बस और मैं कुछ भी नहीं करता, बस ये। फिर आपने यहाँ पे इसको ओके कर लेना। अब यहाँ पे इस वक्त आपका अगर आपके पास वेबकैम होगा तो आपको अपना वेबकैम दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि वेबकैम छोटा हो, मतलब होता है ना साइड में वीडियो में, तो बस आपको यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा और एंड बूम, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एडिटिंग के वक्त आप अपने फेस कैम की वीडियो को अलग से एडिट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे ये मसला होगा। तो मैं आपको, मेरे पास इसके लिए भी एक है जुगाड़, मतलब ऐसे समझ लो कुछ। तो यहाँ पे तो ये आप इसको एडिटिंग के वक्त आप अपनी फेस कैम को अलग से एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एडिट करता हूँ, और अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने फेस कैम को अलग से एडिट करो तो मेरे पास आप एक है चीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ Audacity। Audacity मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है उसके लिए, ऑडियोज़ के लिए। तो यस, मैं आपको ज़रूर करूँगा सजेस्ट कि Audacity को यूज़ करो, स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छी वो रिकॉर्ड करता है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेबकैम और ये गेम प्ले अलग अलग हो एक ही टाइम पे, मेरे पास उसके लिए एक जुगाड़ है। आपको बस क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, जब स्टॉप रिकॉर्डिंग है कि मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, नहीं तो फिर किस तरह होगा। सेटिंग पर जाना है और फिर आपको जाना है अपनी वीडियो में, वीडियो वाले सेक्शन में, यहाँ पर जाके ये जो है ना बेस कैनवास रेजोल्यूशन 1920x1080, यहाँ पे आपको सिर्फ ये 1920 को काटना है, इसके जगह लिख लेना आपने 3840। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे ये बेस कैनवास में 1080 को मैंने कुछ भी नहीं किया, 1920 की जगह मैंने 3840 लिख लिया, और आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो आउटपुट है, आउटपुट रेजोल्यूशन, ये खुद ही अपने आप ये आ जाएगी। आपने बस ये बेस कैनवास को 3840x1080p कर लेना है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की स्क्रीन आ जाएगी, ये थोड़ी सी वाइड हुई भी आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली है इसको उठा के अपने राइट साइड में ले आना, बिल्कुल एंडिंग में जाके, और यहाँ पर जो आपका वेबकैम होगा बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब अपने वेब कैम को ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दो एंड बूम। ओके, अब देखिए आपके पास ये इस किस्म की कुछ स्क्रीन आ चुकी है कि एक तरफ आपकी रिकॉर्ड हो रही है आपकी गेम प्ले या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और एक तरफ आपका रिकॉर्ड हो रहा है फेस कैम। अब इस तरह मैं अपनी गेम प्ले को रिकॉर्ड करता हूँ, इस तरह मैं अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको एडिटिंग के वक्त अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को अलग से और अपने फेस कैम को अलग से आप वो एडिट कर सकते हैं, मतलब जिस तरह मैं गेम प्ले वीडियो बनाता हूँ। मैं एक छोटी सी कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब ऐसी यहाँ पे ये छोटी सी वीडियो बन गई। तो अब मैं इसको एडिट करने जाता हूँ, तो अब जाके मैं अपना चलते हैं अब एडिटिंग के वक्त। ओके, तो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, वंडरशे फिल्मोरा 9, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। अब मुझे पता है तुम लोग मुझे कहोगे कि भाई एडोबे
वो एडोबे प्रीमियर प्रो है, फिर सोनी वेगस प्रो 13 है, वेगस है, ये है, वो है, फलाना है ढमकाना। तो यार मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरा इसमें हाथ जम चुका हुआ है। मेन बात ही आपके हाथ जमने की होती है। एडिटिंग तो आप कुछ से भी फ़ोन से भी कर सकते हो आप अच्छी। मैं खुद पहले फ़ोन से एडिटिंग करता था भाई, बस हाथ जमाने की देरी होती है। हाथ बस आपका किसी में जम जाए ना, आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेते हो। तो ये एक तो फिल्मोरा का है कि इजी एडिटिंग हो जाती है। ओके, तो जब आप अब जब मैंने फिल्मोरा ऑन कर दिया है, तो इस किस्म का आप में से जिन लोगों के पास फिल्मोरा होगा तो इस किस्म का कुछ खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ड्रॉप योर वीडियो क्लिप्स इमेजेस, यहाँ पे आपको दबाना है और यहाँ पे बस आपने वो फाइल को आपने वो करना है एक्सट्रैक्ट। अब जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, सपोज कर लो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स ड्रैग कर ली, इसमें से एक मेरा इंट्रो है, एक आउट्रो और एक आउट्रो का म्यूजिक है, ठीक है। अब मैं इंट्रो को यहाँ पे इस तरह करूँगा और यहाँ पे मतलब मैं इस तरह यहाँ पे अपनी जो गेम प्ले होता है उसको मैं ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पे उसकी आवाज़ को मैं अपनी मर्जी में करना चाहता हूँ। अब देखो, अब मेन बात आ गई यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये आपको इस किस्म की स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है कि यही फाइल एक और दफ़ा ड्रैग करनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी चाहे आवाज़ आप काट दो। फिर आपको क्या करना है, जो जिस फाइल को आप फेस कैम के तौर पर यूज़ करना चाहते हो उसको आपको बस एक बार राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा क्रॉप टू फिट, तो क्रॉप टू फिट करके फिर एक शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस सी, उसको जब आप दबाओगे तो ये खुल जाएगा आपका। तो यहाँ पे फिर ये आप इसको अपनी अपनी इमेज अपनी तरफ से आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ये यूज़ कर, अब मैंने इसको ये कर लिया, जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो लोड होने के बाद ये हो जाएगा मेरा, ये फेस कैम मेरा तैयार हो गया। तो फेस कैम का मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। अब है हमारा गेम प्ले का, तो अब ऊपर वाला तो मेरा फेस कैम हो गया। अब जो नीचे वाला है ना, अब जो उसको दबाऊंगा मैं, उसको भी ऐसे करना राइट क्लिक करके क्रॉप टू फिट और फिर ऑल्ट प्लस सी को दबा के, लेकिन इस बार इसको अब आपने कर लेना है अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा। तो बस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है तो उसको थोड़ा सा अगर आ रहा है दिख रहा है साइड वाला तो उसको ऐसे कर लो। बस बस इतना करना था। और फिर यहाँ पे ये अपने इसको अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इफेक्ट्स में जाके ये बॉर्डर होता है, इसको आप ऐसे लगा लो तो ये आपका ये बॉर्डर लग जाएगा। ये देखो जिस तरह आप देख सकते हो ये बॉर्डर वीडियो के ये आस आर पार लग चुका हुआ है। तो इस तरह अब आप इसको चाहे जहाँ से मर्जी से ऐसे कट वट कर लो। ये देखो जिस तरह, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा गेम प्ले है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा गेम है, तो यहाँ पे अब बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे मेरा ये गेम प्ले समझो आ रहा है और यहाँ पे मेरा फेस कैम है। तो इसीलिए अब ये इसका क्या होता है कि मैं फेस कैम को अलग से इस तरह करके, कोई बात आगे तो इस तरह करके या इसको इस तरह करके मैं इसको अलग से एडिट कर सकता हूँ, जो कि एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट को दबाता हूँ। एक्सपोर्ट दबाने के बाद यहाँ पे मैं उस वीडियो का नाम लिखता हूँ, सेटिंग को करता हूँ यहाँ पे 60 FPS, उसको ओके करके और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट दबा देता हूँ और वो मेरी एक्सपोर्ट हो जाती है। तो यह बस आज के लिए बस इतना ही था। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी, लेकिन बस मैंने इतना बताया था कि आप अपने वीडियोज़ को एडिट किस तरह कर सकते हो, आप अपनी वीडियोज़ को आप एडिट किस तरह कर सकते हो, जिस तरह मैं करता हूँ। मैं जैसे फेस कैम और गेम प्ले को दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करता हूँ, आप किस तरह कर सकते हो। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, अगर नहीं किया है ऐसी वीडियो जल्दी देखने के लिए। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।